माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से। दोस्तों एक बड़ी खबर, 40,000 शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर में। स्थानीय समाचार पत्र हिंदुस्तान में छपे 25 सितंबर की खबर है दोस्तों कि प्रधानाचार्य पद के लिए दोस्तों 2,749, प्रवक्ता के लिए वहीं 6,695 और सहायक अध्यापक के लिए 30,260 पदों के पद भरे जाएंगे। अपर निदेशक माध्यमिक ने भी 4,300 से अधिक स्कूलों में जुटाई पदों की जानकारी। क्या है दोस्तों, विस्तार से देखते हैं। अक्टूबर 2021 तक दोस्तों लक्ष्य, चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2021 तक भर्ती पूरी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा सेवा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अगस्त के अंत में चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार और सदस्यों के साथ बैठक कर साल भर में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। देखिए दोस्तों, प्रदेश के 4,319 सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के 39,704 रिक्त पदों पर भर्ती अक्टूबर के अंत में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी स्कूलों से 7 अगस्त तक खाली पदों की सूचना मांगी थी। यही सूचना अपर शिक्षा निकेतन माध्यमिक महेंद्र देव ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से मांगी थी। प्रधानाचार्य वर प्राध्यापक के लिए, देखिए दोस्तों, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए 2,749, PGT यानी प्रवक्ता के लिए 6,695 और प्रशिक्षित स्नातक TGT के लिए दोस्तों कुल 30,260 रिक्त पदों की सूचना दिए जाने की जानकारी मिली है। चयन बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत तक विज्ञापन जारी होगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अगले महीने अक्टूबर के अंत तक आपको TGT PGT के नए आवेदन मिल सकते हैं, मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि चयन बोर्ड ने आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक स्कूलों में अध्ययनरत छात्र एवं रिक्त पदों की सूचना जुटाई गई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है और आप अभी से लग जाइए, ये 25 सितंबर को दोस्तों हिंदुस्तान की खबर है जो स्थानीय समाचार पत्र प्रयागराज में छपी हुई थी। तो अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि अगले महीने या अक्टूबर या नवंबर तक आपको दीपावली के आसपास अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तब तक दोस्तों आप अपने आप को इंतज़ार नहीं करिए, तैयारी में आप अभी से लग जाइए। जी दोस्तों, बिल्कुल आप तैयारी अपनी जारी रखें।